वेल गाइस वेलकम टू WHE। रॉडरिक स्ट्रॉन्ग ने कर दिया WWE से अपने रिलीज की मांग और रिको से चाहते हैं NXT 2.0 में जाना। और फाइनली एजे स्टाइल्स और फिन बैलर का रीयूनियन हमें देखने को मिल चुका है और NXT सुपरस्टार डेक्स्टर लूमिस के रिलीज से रिलेटेड भी एक अपडेट है, तो इन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे फर्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि रिलेटेड है एजे स्टाइल्स और फिन बैलर के बारे में। तो आज के मंडे नाइटों में इन दोनों बीच फाइनली रीयूनियन हो चुका है। तो दरअसल होता ही है कि आज के मंडे नाइटों में एजे स्टाइल्स का मैच होता है डेमियन पेस्ट के खिलाफ। डेमियन पेस्ट और एजे स्टाइल्स के खिलाफ 1-on-1 मैच हुआ था। इस मैच के एंड होने के बाद एजे स्टाइल्स पर एज और डेमियन पेस्ट दोनों अटैक करने लगे थे और एजे स्टाइल्स को बचाने के लिए वहाँ पर फिन बैलर आ गए थे। एजे स्टाइल्स को बचाने के लिए वहाँ पर फिन बैलर वहाँ पर आ गए और उन्होंने एजे स्टाइल्स को वहाँ पर बचाया भी था। और उसके बाद दोनों ने बुलेट क्लब का साइन भी किया, यानी जो बुलेट क्लब का साइन है दोनों ने किया, क्योंकि दोनों सुपरस्टार बुलेट क्लब में रह चुके हैं, इसलिए ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा था और ये देख के काफ़ी ज़्यादा फैंस को अच्छा भी लगा था। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट बारे में जो कि रिलेटेड है डेक्स्टर लूमिस के बारे में। डेक्स्टर लूमिस को इस बार WWE NXT से रिलीज कर दिया, तो WWE ने टोटल 10 NXT सुपरस्टार को रिलीज कर दिया। तो अपडेट ये है कि डेक्स्टर लूमिस का नाम शुरुआत में उस लिस्ट में नहीं था, यानी कि रिलीज होने के लिए उनका लिस्ट में नाम नहीं था। एंड में उनका कुछ हुआ होगा तो उसके बाद उनको रिलीज किया गया, लेकिन शुरुआत में उनका नाम बिल्कुल भी नहीं था कि उनको रिलीज करने वाले हैं, लेकिन एंड में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनको WWE ने रिलीज कर दिया, लेकिन शुरुआत में उनका नाम रिलीज वाले लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं था। आप क्या सोचते हैं डेक्स्टर लूमिस को रिलीज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमेंट करके जो। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट बारे में जो कि रिलेटेड है रिकोसे के बारे में। तो रिकोसे रिसेंट में इंटरव्यू देते हैं जहां पर वो बताते हैं कि वो NXT 2.0 में जाना चाहते हैं। पिछले कुछ में से काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार मेन रोस्टर के सुपरस्टार NXT 2.0 में जा चुके हैं, जैसे कि एजे स्टाइल्स, डॉल्फ ज़िगलर वो तो NXT चैंपियन भी बने, नटालिया, काफ़ी सारे सुपरस्टार हैं जो NXT 2.0 में जा चुके हैं। और इसलिए रिकोसे भी चाहते हैं कि वो भी NXT 2.0 में जाए और वो एज ए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन NXT 2.0 में जाए। अब वो बताते हैं कि उनको वहाँ पर कार्मेलो हेस के साथ फ्यूड करनी है, इसलिए वो NXT 2.0 में जाना चाहते हैं, ऐसा रिको से कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में जो कि रिलेटेड है रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग से। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने WWE से अपनी रिलीज की मांग कर दी है, यानी कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग चाहते हैं कि WWE उनको रिलीज कर दे। और अपडेट ये भी है कि ये पहला बार नहीं है कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग WWE से रिलीज की मांग कर रहे हैं, इससे पहले भी वो काफ़ी बार रिलीज की मांग कर चुके हैं। जब से NXT 2.0 आया है तब से वो काफ़ी बार रिलीज की मांग कर चुके हैं, लेकिन WWE ने उनको रिलीज़ नहीं किया है। और ऐसा होता है कि जो भी WWE सुपरस्टार WWE से रिलीज़ की मांग करता है WWE उसको रिलीज़ नहीं करती है, जैसे कि मुस्तफ़ा अली हो गए, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग हो गए, ऐसे सुपरस्टार वो रिलीज़ की तो मांग करते हैं लेकिन उनको रिलीज़ नहीं दिया जाता है। तो बस आप इस बारे क्या सोचते हैं कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को रिलीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं छोड़िए हम तब तक लिए बाबे दोस्तों।